खबर फतेहपुर से है, जहां पर फतेहपुर के चित्रांश नगर स्थित चिल्ड्रन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने में उपलब्धि हासिल की है। हिंदी विकास संस्थान दिल्ली द्वारा दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह एवं पुरस्कार वितरण 2023 में मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता व केंद्रीय हिंदी संस्थान निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबू राव कुलकर्णी CBSE शिक्षा मंत्रालय की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज द्वारा 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि जनपद फतेहपुर का गौरव वी CPS के इतिहास में एक और उपलब्धि के रूप में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया गया। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर पद्मालया दास चौधरी ने बताया कि विद्यालय परिवार के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में शिक्षा के साथ साथ अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों एवं गतिविधियों में नए कीर्तिमानों के परचम लहराए जा रहे हैं। वहीं इस समारोह में UAE से दुबई, कतर एवं केंद्र शासित प्रदेश से दमन द्वीप और दादर हवेली अन्य प्रदेशों से झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से लगभग 500 विद्यालय के विद्यार्थियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके छात्र अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में सम्मानित होकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और मैं इसका पूरा श्रेय अपनी प्रधानाचारी मैम डॉक्टर पद्मालय दास चौधरी जी और साथ ही साथ अपने डायरेक्टर मैम को और साथ ही साथ अपने हिंदी विभाग और अध्यापिका रत्ना मैम और मोहिनी मैम को देना चाहूँगी कि इन सब ने मुझे ये अवसर प्रदान किया और मुझे शिक्षा निदेशालय के लिए भी तैयार किया। और साथ ही साथ मैं अपने माता पिता को भी ये आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे शिक्षा क्रियाकलापों के लिए अनुमति दी। बहुत अच्छा लगा कि मैं इस नेशनल अवार्ड में शामिल हुई और मुझे ये पूरा श्रेय अपने प्रधानाचार्य मैम को ही देना चाहूँगी और साथ ही साथ अपनी हिंदी मैम को, उन्होंने मेरी इतनी अच्छी तैयारी कराई क्योंकि उन लोगों के बिना शायद मैं ये नहीं कर पाती। उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि हाँ तुम कर सकती हो और इसी वजह से मैं उन्हीं लोगों की वजह से आज यहाँ पर पहुँची हूँ। इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा है और मैंने ये भी देखा कि वहाँ अनेक अनेक क्षेत्रों से बच्चे आए हुए थे, वहाँ विदेश से भी बच्चे आए हुए थे, वहाँ जैसे UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट वहाँ से भी एक लड़की आई हुई थी और सब लोगों ने बहुत अच्छा किया और मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि फतेहपुर से मैं निकल के वहाँ पर जाने गई हूँ। बच्चियों को यही मैसेज दूंगी कि वो उसी मेहनत और लगन से आगे बढ़ती जाएं क्योंकि अगर वो इसी तरह आगे बढ़ती जाएंगी तो एक न एक दिन वो मुकाम जरूर हासिल करेंगी। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की विद्यार्थी होने के नाते मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की विद्यार्थी हूँ क्योंकि मुझे ऐसी यहाँ की अध्यापिकाएँ मिली, मुझे ऐसे प्रिंसिपल मिले, प्रधानाचार्य जी मिली जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा उत्साहित किया कि हाँ वानी तुम कर सकती हो। और वो सभी टीचरों को और सभी बच्चों को भी यही बोलती हैं कि हाँ तुम सब लोग कर सकते हो। वैसे तो ये मेरा पहली बार का वो था कि मैं उस बच्ची के साथ में गई और इसका कहीं ना कहीं पूरा श्रेय मैं CPS के प्रबंधन तंत्र प्राची श्रीवास्तव मैम और प्रधानाचार्य हमारी डॉक्टर पद्मालय मैम को देना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। और मुझे रियल में वहाँ पर जाके बहुत ही अच्छा लगा। जब सबसे पहले दो दिवसीय ये प्रोग्राम था और उसमें 30 तारीख को हमारा टर्न था तो 30 तारीख को फर्स्ट टाइम सबसे पहले जब हमारा नाम अनाउंस किया गया मैं तो सरप्राइज्ड हुई। मतलब ये लग नहीं रहा था कि सबसे पहले मेरा नाम आ सकता है, मेरे स्कूल की बच्ची का नाम आ सकता है। तो कहीं छोटे शहर से हम दिल्ली जैसे बहुत बड़े शहर में गए हैं तो उसके लिए वहाँ पर जाके मतलब बहुत ही अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा अद्भुत। और वहाँ पर देश विदेश से लोग आए, मतलब पूरे भारत के, हमें लगता है भारत के बाहर से भी लोग आए हैं, वो सऊदी और वो किसान बोल रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रोग्राम था और उसमें बच्ची को जो हमारी बानी है उसको राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड के का पदक मिला, स्वर्ण पदक मिला है। और इसमें 23 बच्चे हमारे विद्यालय के और भी हैं जिनको ये पदक मिला है लेकिन सम्मानित के लिए एक ही बच्ची हमारी गई थी। और उसमें वहाँ पर जो देश विदेश से बच्चे आए और हिंदी के लिए सभी बच्चे, मतलब दूसरी भाषाओं से जुड़े हुए लोग भी हिंदी के लिए इतना ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं और विजयी हो रहे हैं, इस चीज़ को देखकर वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी हिंदी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ और मेरे स्कूल के सभी हिंदी विभाग के जो अध्यापक हैं बहुत ही अच्छे हैं और उन्हीं के प्रोत्साहन और उन्हीं की हेल्प, उन्हीं की सहायता से ही मैं
मैं और मेरी बच्ची जो है काफ़ी आगे बढ़ चुके। मेरा जो अनुभव है वो व्यक्त करना मुश्किल है इस अचीवमेंट पे जौहरी पब्लिक स्कूल फतेहपुर का। मैं यहाँ पे जब आई, मैंने बच्चों को जब देखा तो मुझे कई बार मैंने मैनेजमेंट में सामने में ये बताया कि बच्चे यहाँ के बेहद अच्छे हैं और बहुत डिसिप्लिनड हैं, तो बस हमें एकेडमिक्स के स्तर और बढ़ाना था। तो इसी टारगेट के साथ हम चल रहे थे कि जितने भी नेशनल जैसे आपके NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, ऐसे कई ओलंपियाड्स होते हैं जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे होते हैं, SOF उनमें से एक है। तो ये जो ओलंपियाड अभी जिसमें हमारी बच्ची मानी सिंह क्लास 10C की है CPS फतेहपुर की, उसने परचम लहराया, तो ये इसके पीछे कोई श्रेष्ठता को जब हासिल करते हैं तो उसके पीछे एक का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं हो सकता, उसके पीछे एक टीम वर्क करता है। तो आपका बच्चे की सफलता जब होती है उसके पीछे सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहूँगी टीचर्स टीम को। और ये हिंदी विभाग का अचीवमेंट था तो हिंदी विभाग के जितने भी शिक्षिकाएं हैं और शिक्षक हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इनके दिन रात की मेहनत आज रंग लाई है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि हम इस राष्ट्रीय स्तर का सम्मान को अचीव करें और आज वो दिन वाकई में आ गया जब हम राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड को जीते। दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में इस प्रकार के ये बच्ची को जब सम्मानित किया गया तो ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह था जिसमें बच्चे को राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया और उन्हें श्री हिमांशु गुप्ता जी 2nd डे में आए थे आज चीफ गेस्ट, और सर हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। और अभी अभी मैंने जिस दिन ये अवार्ड दिया गया 23 नवंबर को, मैंने देखा कि सर का नाम सजेस्ट किया गया है CBSE सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, हिमांशु गुप्ता सर का नाम, तो मैं बहुत बेहद खुश हुई कि चलिए सर के हाथों बच्चे को सम्मानित किया गया। इसमें संयम भरद्वाज जी भी आए थे और कई लोग CBSE के उच्च पदाधिकारी आए हुए थे जिनके हाथों 29 तारीख को प्राइज दिए गए और हमारा टर्न था 23 तारीख को। कि जो फतेहपुर जैसा शहर है ये एक साहित्यिक नगरी कही जाती है और यहाँ पर हमारे बहुत से हिंदी साहित्य के कवि लेखक पैदा हुए, जन्म लिया, और जिसमें मैं सोहनलाल द्विवेदी जी भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, जिसमें इन्होंने एक कविता लिखी थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं भी इसी क्षण में कहना चाहूँगी कि वास्तव में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, क्योंकि जो आज का ये बदलता परिवेश है इस परिवेश में बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी अपनी हिंदी से छोड़ती जा रही है, उन्हें इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ना होता है और जिससे हमारा हिंदी बहुत पीछे छूटता जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि हमने जो हिंदी ओलंपियाड करवाया और उसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया और हमारे स्कूल के इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में 120 बच्चों ने भाग लिया जिसमें से हमारे 23 बच्चों ने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ये बहुत ही गर्व की बात है और इसके लिए मैं अपने पूरे CPS परिवार के लिए बहुत खुश हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती पद्मालया दास चौधरी जी ने इसमें हम सबको बहुत ही उत्साहित किया और हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अगर उनका प्रोत्साहन हमारे साथ ना होता प्रोत्साहन, तो शायद हम इतना बड़ा गर्व हासिल न कर पाते। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।